गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियोस में हम एक्सरसाइज 1A कंप्लीट कर चुके हैं एंड आई हैव गिवन यू ऑल द क्वेश्चंस टू सॉल्व इन योर नोटबुक। मैंने आपको होमवर्क में दिया भी था कि आपको एक्सरसाइज 1A के सारे क्वेश्चंस अपनी नोटबुक में सॉल्व करने हैं। नाउ कम टू एक्सरसाइज 1B। अब आज हम अपनी एक्सरसाइज 1B स्टार्ट करेंगे। तो 1B का क्वेश्चन नंबर 1 रीड कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, आई वेरी ऑफन टोल्ड यू कि वेन एवर यू आर टेकिंग द वीडियोज़ और टेकिंग द लाइव क्लासेस, देन यू शुड ओपन योर बुक, योर नोटबुक एंड योर राइटिंग मटेरियल इन फ्रंट ऑफ यू। जब भी आप ऑनलाइन क्लासेस लेने बैठे हैं, आप अपने सारे हेल्पिंग मटेरियल, सारे जो भी आपको वस्तुओं की आवश्यकता है, वो अपने पास रख के बैठिए, जिससे कि आप एक क्वेश्चन समझें, उसे अपनी नोटबुक में सॉल्व करें, उसके बाद आगे की वीडियो कैरी ऑन कर सकें। ठीक है, सो कम टू क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ फिल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्सेस विद द करेक्ट सिंबल ग्रेटर और स्मॉलर। आपको जो नीचे नंबर्स दिए हुए हैं, इनको कंपेयर करना है और बताना है ग्रेटर का साइन आएगा या स्मॉलर का। तो आइए समझते हैं कैसे करने हैं ये क्वेश्चन। तो ये है आपकी नोटबुक और हम आते हैं पार्ट 1 पे। पार्ट 1 में देखिए, आपको दो नंबर्स दिए हुए हैं। वन नंबर इज़ 1003467 एंड अनदर इज़ 987965। तो स्टूडेंट्स, जब भी हम कंपेयर करते हैं, ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है। उसमें सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये है कि यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स। सबसे पहले ये काउंट कीजिए कि हर एक नंबर में कितनी डिजिट्स दी हुई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, दिस नंबर कंटेन्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डिजिट्स एंड दिस नंबर कंटेन 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिजिट्स। तो स्टूडेंट्स, अब देखिए कंपेयर करना कितना आसान हो गया। इस नंबर में 7 डिजिट्स हैं और इस नंबर में 6 डिजिट्स हैं। तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस टू से दैट दिस नंबर इज़ ग्रेटर देन दिस। क्यों? क्योंकि इसमें 7 नंबर हैं, इसमें 6 डिजिट हैं। कौन सा नंबर बड़ा हुआ? ऑब्वियसली ये बड़ा हुआ और ये छोटा हुआ। सो वील पुट ग्रेटर साइन हियर। वेरी सिंपल स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले आपको जो काम करना है वो ये है कि आपको डिजिट्स को काउंट करना है, फिर उसी के बेसिस पे आपको साइन पुट करने हैं। ठीक है, कम टू पार्ट 2। पार्ट 2 है 3572014 एंड 1023 5401। तो मैंने क्या बताया था, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको डिजिट्स को काउंट करना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डिजिट्स एंड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डिजिट्स। इसमें 7 डिजिट हैं, इसमें 8 डिजिट है। बहुत आसान हो गया ये पता लगाना कि ये नंबर बड़ा है और ये नंबर छोटा है। सो वील पुट दिस साइन हियर। स्टूडेंट्स, कई बार हमें नंबर को ठीक से देखना नहीं पड़ता और हम डिजिट्स काउंट करके ही पता लगा सकते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है। नाउ कम टू पार्ट 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। पार्ट 3 इज़ 3254790 एंड 3260152। तो सबसे पहला काम मैंने क्या बताया है, डिजिट्स को काउंट करना। आइए काउंट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब इसमें तो नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल हैं। क्यों? बिकॉज दिस नंबर कंटेन्स 7 डिजिट्स एज वेल एज दिस नंबर ऑल्सो कंटेन 7 डिजिट्स। अब क्या करेंगे, अब हम डायरेक्ट पता नहीं लगा सकते कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है। अब हमें इसको स्टडी करना पड़ेगा।
आइए करते हैं, इट इज़ 32 लाख, इट इज़ ऑल्सो 32 लाख। नेक्स्ट टू इट 54,000, और इधर कितना है 60,000। डिफरेंस समझ आ गया, इट इज़ 32,54,790 एंड दिस नंबर इज 32,60,152। देखिए इधर 54,000 है और इधर 60,000 है, आप पता लगा सकते हैं विच नंबर इज़ ग्रेटर। 60 इज़ मोर देन 54, दैट्स वाई वील पुट दिस साइन। अगर ये केस आए कि नंबर ऑफ़ डिजिट्स इक्वल हों तो हम नंबर को रीड करना शुरू कर देंगे। 32 तक, 32 इधर भी है और 32 इधर भी है, उसके बाद इधर 5 आ गया और इधर 6 आ गया। तो देखिए 5 बड़ा या 6 बड़ा, ऑब्वियसली 6 बड़ा, सो दिस नंबर इज़ ग्रेटर देन। बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं और स्टूडेंट्स ये इस टाइप के क्वेश्चन हैं जो कि आप क्लास सेकंड से करते आ रहे हो। तो 3 पार्ट्स में मैंने आपको एग्जांपल समझा दिया, आपको समझ आ गया होगा कि हाउ टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। नाउ जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के, रिमेनिंग 3 पार्ट्स आपको खुद से अपनी नोटबुक में सॉल्व करने हैं। सॉल्व करने का तरीका मैंने अभी बताया, सबसे पहले आप नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट कीजिए। अगर अनइक्वल हैं तो आप क्लियरली पता लगा सकते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है, लेकिन अगर डिजिट्स इक्वल हैं तो आप उनको स्टडी करेंगे। कैसे, जैसे एग्जांपल 4 में देखिए, इट इज़ 10, सबसे पहले डिजिट्स काउंट कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब डिजिट्स तो दोनों में बराबर हैं, हम इसको डायरेक्ट पता नहीं लगा सकते। अब देखिए इट इज़ 10 एंड इट इज़ 11, सो विच एवर इज़ ग्रेटर, दिस नंबर इज़ ग्रेटर देन दिस। सो स्टूडेंट्स बाय दिस मेथड यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 वेरी वेल इन योर नोटबुक, एंड आपका पार्ट 1 का आज का होमवर्क है कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 अपनी कॉपीज़ में, अपनी नोटबुक में फेयरली एंड क्लियरली सॉल्व करना है। ओके okay?